हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत अग्रवाल इंजीनियरिंग ड्राइंग के आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक लेके आए हैं फ्रेंच कर्व। बहुत से बच्चों ने मुझसे कमेंट्स करके पूछा था कि ये जो बड़े बड़े सेट स्क्वायर होते हैं उसमें एक बीच में एक डिफरेंट शेप होती है, क्या होती है वो? तो स्टूडेंट्स, उसी शेप को हम बोलते हैं फ्रेंच कर्व। तो मैं एक आपको सेट स्क्वायर दिखाना चाहूँगा जिसमें वो शेप बनी होती है। ये है एक सेट स्क्वायर का एक पेयर का एक पार्ट, जिसमें ये तो एक मार्किंग साइड है जिसमें साइडों में स्केल बना हुआ है, और ये है जो डिफरेंट शेप है, इसे बोलते हैं फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व अगर आप लेना चाहें तो अलग से भी मार्केट में अवेलेबल है, या फिर आपको अगर आपको ज्यादा इसका यूज नहीं है तो आप बड़ा वाला सेट स्क्वायर लेके काम चलाओ, आपको ये सेट स्क्वायर दे सकता है। ठीक है, ज्यादा अगर यूज नहीं है तो आप ये सेट स्क्वायर परचेज करके भी इस फ्रेंच कर्व से काम चला सकते हैं। अगर आप अलग से परचेज करना चाहते हैं तो इस टाइप से एक पूरा पैक आता है सेट स्क्वायर फ्रेंच कर्व का, जिसमें आपको लिखा भी होगा फ्रेंच कर्व। और इस ये जो मेरे पास ये पैक है इसमें 12 सेट हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक शेप, तो जैसे कि मैंने ये यूज़ की हुई है एक शेप ये है, तो इसी तरीके से आपको 11 शेप और अलग से मिल सकती है, जैसे शेप नंबर 2। ठीक है, शेप नंबर 3 मैं जरा पॉलिथ पैक से निकाल देता हूँ, रैपर से। ये देखिए, एक शेप ये है, ये भी एक फ्रेंच कर्व है। तो आप जो भी आपको स्लोप चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ज़्यादा सर्किल चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, छोटा आपको कर्व चाहिए तो अप्रोक्सीमेट राउंड शेप चाहिए तो आप ये पार्ट यूज़ कर सकते हैं, ये भी। तो हर पार्ट आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। ठीक है, तो दूसरी शेप ये है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन आप कोई सी भी शेप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसी टाइप से इस पैक में आपको 12 शेप मिलेंगी। तो दो हमारे पास ये हो चुकी है, तीसरी ये, चौथी। ठीक है, एक शेप आप ये देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, फ्रेंच कर्व है। तो ये मार्केट में आपको 70 से 80 रुपीज के बीच में मिल सकता है। चलिए, ये तो बात हुई सेट स्क्वायर, ये फ्रेंच कर्व होता क्या है, ठीक है, शेप कैसी होती है। अब अगला क्वेश्चन जो उठता है वो ये होता है कि इसका यूज कहां पर हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब सपोज करिए आपके पास दो पॉइंट हैं इस तरीके से, अब देखिए यदि आपके पास ये दो पॉइंट हैं और आपको इनको मिलाना है, तो एक तरीका है कि हम इसको ऐसे मिला दें स्केल का यूज करके, और दूसरा तरीका क्या है, हम चाहते हैं कि ये पॉइंट मिलें लेकिन एक कर्व शेप में इस तरीके से। तो जब आपको इस टाइप से दो पॉइंट मिलाने होते हैं तो आप स्केल यूज करते हैं, और यदि आपको ऐसे मिलाना है या तो आप कंपास यूज करेंगे, वो जब है जब आपको रेडियस दे रखी हो। यदि रेडियस नहीं दे रखी है फिर भी आपको ये दोनों पॉइंट्स कर्व शेप में मिलाने हैं, तब हम यहां पर यूज करेंगे फ्रेंच कर्व का। ठीक है, तो देखिए मैं आपको, ये दो पॉइंट्स हैं, तो अगर आप इसको फ्री हैंड मिलाएंगे तो वो स्मूथनेस आपको नहीं मिल पाएगी, या तो आपका हाथ तो बहुत अच्छा सेट हो कि आप अच्छे से ड्रॉ कर सकें, एकदम स्मूथनेस आ जाए। जैसे कुछ बच्चे जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो एकदम स्मूथ करते हैं, जैसे कि हमने स्केल से ही खींची हो, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्री हैंड ड्रॉ अच्छे से नहीं कर पाते, तो वो क्या यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से ये जो फ्रेंच कर्व होता है ये इस कर्व के लिए स्केल का काम करता है। ठीक है ना, देखिए जैसे हम जब हम लाइन खींचते हैं तो इस स्केल के सारे सारे लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम जब कर्व ड्रॉ करेंगे तो देखिए, ये तो मैं
इन दो पॉइंट्स को एक तो मिला रहा हूं हाथ से, तो इसे बोलते हैं फ्री हैंड। फ्री हैंड मतलब विदाउट एनी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट किसी चीज को करना, चाहे वो लाइन ड्रॉ करना हो, कर्व ड्रॉ करना हो, या सर्किल ड्रॉ करना हो। जैसे कि अब मैंने ही सर्किल ड्रॉ किया है तो ये कहलाएगा फ्री हैंड। और यदि मैं इसके लिए कंपास यूज करता तो वो फ्री हैंड नहीं होता, वो होता सर्किल विद द हेल्प ऑफ कंपास या विद द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए वापस फ्रेंच कर्व पे आते हैं। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को हाथ से मिलाया है, अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ही मिलाऊंगा लेकिन फ्रेंच कर्व का यूज करके। देखिए जितना स्लोप आपको लेना है अब देखिए, ये अगर मैं स्लोप लूं तो थोड़ा स्लोप कम आ रहा है। देखिए मैं इसको भी ड्रॉ करके दिखाता हूं, एक ही आया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा स्लोप भी और ज्यादा होता, तो देखिए हम इस पार्ट का यूज कर सकते हैं देखिए, या फिर हम तो ये आपको सेट कर करके देखना पड़ेगा। ये देखिए तो जो है इस डिस्टेंस के लिए कोई सही नहीं बैठ रहा है। सही का मतलब हमें जो कर्व चाहिए वो इतनी डिस्टेंस पे हमको मिल नहीं पा रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, इतनी देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैंने इसको ऐसे रखा कि ये दोनों पॉइंट्स इसके दोनों तरफ आ जाएं, और मैंने क्या किया इसके सहारे सहारे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये देखिए, तो देखिए ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हमने एकदम स्केल से खींचा एकदम स्मूथ आ रहा है। देखिए फ्री हैंड में वो बात नहीं आ रही थी। तो ये होता है यूज फ्रेंच कर्व का। क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि किसी कर्व को स्मूथ तरीके से बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं फ्रेंच कर्व। तो ये जो आप शेप देख रहे हैं ये क्या है, फ्रेंच कर्व। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।